और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लव अग्रवाल संयुक्त स्वास्थ्य सचिव सीधे रुख करते हैं। डेथ रिपोर्ट हुई हैं और ये डेथ 6 डिफरेंट स्टेट से रिपोर्ट हुई हैं। हाई केस लोड के आधार पर इस समय देश में हम इमर्जिंग हॉटस्पॉट जो है उनको आइडेंटिफाई करते हुए वॉर फूटिंग सर उनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए वह कार्य कर रहे हैं। रिगरस क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी उन आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स पर इंप्लीमेंट की जा रही है। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जितने भी केसेस हैं, जितने भी सस्पेक्ट केसेस हैं, उनको एज पर प्रोटोकॉल हम चाहे क्वारंटाइन करें या जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो उनको प्रोवाइड कराया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ ने स्टेट्स के सभी सेक्रेटरी हेल्थ से बात करते हुए उनसे ये भी कहा है कि जब हम COVID-19 के लिए बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, आइसोलेशन बेड्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं COVID-19 के पेशेंट्स के लिए वो डेडिकेटेड ब्लॉक्स हों या स्पेसिफिक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि वहाँ उन पेशेंट्स का दूसरे पेशेंट से इंटरमिंगलिंग होते हुए इन्फेक्शन के चांसेस ना हों। इसी के तहत ऑलरेडी कई स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को ईयरमार्क डेडिकेटेड हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करने का कार्य शुरू कर दिया है ताकि हम स्टैंड अलोन डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना सकें। इसके साथ ही जैसे कि आप सबको पता है हमने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर PPEs, वेंटिलेटर्स और साथ में N95 मास्क के लिए रैंप अप किया हुआ है। इसके साथ ही हम अब पैरेलली विदेशों से भी जहां से भी हम उन चीज़ों को ला सकते हैं उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कल ही हम लोगों को एक शिपमेंट आई थी विदेश से जिसमें कि मास्क, PPEs और वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शामिल है। तो इस तरीके से हम देश के अंदर और देश के बाहर सब तरीके से कैसे हम अपने लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल्स को अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने राज्य और UTs के चीफ सेक्रेटरीज के साथ आज और कल एक मीटिंग करते हुए लॉकडाउन और उससे रिलेटेड मेजर्स के ऊपर भी समीक्षा की थी। उस मीटिंग में उनके साथ देश के जितने मुख्य और सचिव हैं वो भी थे। 24 घंटे ओवरऑल सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं और रिक्वायर्ड एक्शन इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल सप्लाईज और इसेंशियल सर्विसेज उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी COVID-19 मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया है, उसका नाम रखा है केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस फॉर एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसके द्वारा जो हमारे फिलान्थ्रोपिक लोग हैं, देश के नागरिक हैं, वो अपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एडिशनल रिसोर्सेज इस एफर्ट के लिए हमें दे सकें, ये एक फंड भी स्टार्ट किया गया है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयुष जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके प्रैक्टिशनर से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आयुष का देश के स्वस्थ रखने में एक लंबी परंपरा रही है और COVID-19 के स्प्रेड में उनका भी उस हर तरीके से उपयोग किया जाएगा, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों से कि जनता तक जागरूकता बनाने के लिए टेलीमेडिसिन का भी उपयोग किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आयुष का जो नेटवर्क है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ये स्प्रेड आउट है और इसको WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हर तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उन्होंने साथ ही आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए एक एफर्ट योगा एट होम उसके लिए भी उनकी सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी साथ में कहा है कि कोविड के इलाज के लिए कई जो दावे आते हैं उसके लिए आयुष मंत्रालय एविडेंस बेस्ड ICMR से, CSIR से और आयुष के जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलते हुए एविडेंस बेस्ड रिसर्च के साथ पब्लिक को जागरूकता लेके आए। इसके साथ ही हमारे इस ऑनगोइंग एफर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं। उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं। जब मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा उसके फोकस एरियाज हैं कि कैसे हम मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एडिशनल फोकस लाएं, इसके साथ ही हम आइसोलेशन बेड्स, हॉस्पिटल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज को कैसे फर्दर अपग्रेड करें, हम कैसे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज
वेंटिलेटर्स पीपीज को कैसे बढ़ा सकें, साथ ही हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उसको कैसे अपग्रेड करें कि ताकि हम कोविड के चैलेंज से निकल सकें, और साथ ही अगर कोई पब्लिक ग्रीवेंसेज और सजेशंस हो उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे हमारा जो एक्शन है फील्ड लेवल पर उसको हम फर्दर अपग्रेड कर सकें। इसके साथ ही जैसे कि आप सबकी नॉलेज में भी है कि भारतीय रेल पूरे देश में इस समय आवश्यक वस्तुओं की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यथक प्रयास कर रही है। अब तक 65% जो वैगन गई हैं वो इसेंशियल सप्लाई से रिलेटेड गई हैं। पिछले 5 दिनों में लगभग 1.25 लाख वैगन जो इसेंशियल कॉमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। मैं आप सबसे आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स को इको करते हुए फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का ये फैसला अभी हमें कठोर लग सकता है, लेकिन वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। जैसा कि मेरे कलीग ने बताया, केंद्र सरकार निरंतर लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू कर रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए कल शाम और आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिटेल्ड मीटिंग्स की। बाय एंड लार्ज लॉकडाउन गाइडलाइंस का सभी स्टेट्स और यूटीज में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। एसेंशियल सप्लाईज भी मेंटेन हो रही हैं। स्थिति को 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है। जहां पर समस्याएं आ रही हैं वहां पर हमारे सारे कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स मिलकर उपयुक्त कदम उठा रहे हैं। परंतु जैसा आप सबको पता है, देश के कुछ भागों में माइग्रेंट वर्कर्स का मूवमेंट देखा गया है और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स और यूटीज को स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बॉर्डर्स को इफेक्टिवली सील करें, शहरों के बीच में और हाईवेज पर लोगों का मूवमेंट ना हो, सिर्फ गुड्स का मूवमेंट हो। इसको मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाल लिए हैं। होम सेक्रेटरी जो चेयरमैन है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए निर्देश दिया है सारे स्टेट्स और यूटीज को कि वे कुछ एक्शन है जिनको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हैं और एसपीज हैं, उनको इस एक्शन को लेने के लिए बाध्य करें। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और हमारी आशा है कि इन सब मेजर्स के साथ हम ये लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जिससे कि कोविड के स्प्रेड को रोक सकें। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीएमआर। आज तक हम लोगों ने तकरीबन 35,000 यानी 34,931 टेस्ट किए हैं। आज भी अगर कल की फिगर देखें तो हम लोगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आईसीएमआर नेटवर्क में है वो 30% ही है। अभी इस वक्त हमने थोड़े से लैब और बढ़ाए हैं, 113 लैब फंक्शनिंग हो चुके हैं और 47 प्राइवेट लैब्स को हमने अप्रूवल दिया है। बिच फिगर ऑलमोस्ट 35,000 टेस्ट, 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 113 आईसीएमआर नेटवर्क के लैब्स जो हैं वो फंक्शनल है और 47 प्राइवेट लैब्स उनको अप्रूवल दिया गया है। धन्यवाद।
सबसे पहले मैं ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेता हूं. कैन द हेल्थ मिनिस्ट्री प्लीज क्लैरिफाई अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल रुपीज 50 लाख इंश्योरेंस कवरेज बेनिफिट विल बी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सीडेंटल कवरेज एंड हु आर द बेनिफिशरी फॉर हु आर द एंटाइटल्ड पर्सन फॉर दिस 50 लाख इंश्योरेंस. देखिए जैसे कि ये स्कीम अनाउंस की गई है, इस स्कीम के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके डिटेल्स इसकी वर्कआउट की जा रही हैं. इसके ब्रॉडर कॉन्टूर्स इस तरह से हैं कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ लाइफ होती है आइदर फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहें या केयर में रहें कोविड 19 पेशेंट के या उससे रिस्क है उनका इम्पैक्ट होने का, तो उसके लिए स्कीम लागू होगी. लव अग्रवाल संयुक्त सचिव को आप सुन रहे थे. स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण जानकारी हर रोज शाम 4 बजे दी जा रही है कि किस तरह की तैयारी है. और आपको बता दें अभी तक का जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है 35,000 टेस्ट कोरोना वायरस के अब तक किए जा चुके हैं, 113 लैब बढ़ाए गए हैं और 47 प्राइवेट लैब्स को दी गई है मंजूरी. नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.